अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम देसी टॉक शॉक विद नादिया एंड आमिर के साथ मैं हूं आमिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं नादिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम आमिर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं जरा आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की, जो रोटी की प्राइस थी वो कम हो गई थी, 25 रुपए से दोबारा से 16 पर चली गई थी और उससे आवाम को थोड़ी उम्मीद जागी थी, थोड़ी खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद से अब जो न्यूज़ दोबारा से आ रही है कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो स्टैंड लिया और दोबारा से जो है वो रोटी की प्राइस 25 पर दोबारा वापस चली गई है, तो इससे आवाम पे क्या इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नादी, ये बात तो सही है। हमने पिछले प्रोग्राम किया तो उस वक्त जो नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था तो उसमें रोटी का बताया गया था कि रोटी जो है वो 16 रुपए की मिलेगी जबकि जो नान है वो 20 रुपए का होगा। लेकिन कल फिर हाई कोर्ट ने इसमें चेंजेस किए हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, रोटी वही 20 की होगी और नान जो है वो 25 रुपए का होगा। तो मेरे ख्याल में कि हाई कोर्ट को ये चेंज नहीं करनी चाहिए, जो गरीब को थोड़ा सा रिलीफ मिला था मेरे ख्याल में वो रिलीफ उन लोगों ने फिर वापस ले लिया। हाँ, थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी थी, चले इस बारे में भी बात होती रहेगी। आज आमिर हम किस बारे में बात करें? आज नादिया मैं सोच रहा हूँ कि सियासत पे हम बात वैसे ही करते रहते हैं, क्यों ना आज हम शोबिज इंडस्ट्री के बारे में बात करें। कौन सी शोबिज इंडस्ट्री, इंडिया की या इसके अलावा पाकिस्तान? दोनों को कर ले, लेकिन पहले अपनी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के बारे में बात कर ले तो अच्छा नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, मैं शोबिज इंडस्ट्री, पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के बारे में आपसे जो आज एक नई बात हो रही है कि कह रही है कि शोबिज इंडस्ट्री की जो मरूफ अदाकारा है नाजिश जंगीर जी जी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बाबर आजम के हवाले से उसने जवाब दी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में काफी ज्यादा गुफ्तगू चल रही है मीडिया पे, ये काफी हॉट टॉपिक चल रहा है, इसके बारे में रील्स भी बन रही हैं। नाजिश जहांगीर ने जो है वो जब उनके जो मदा हैं, जो उनके फैंस हैं और उसके अलावा जो बाबर आजम के फैंस हैं, दोनों में जो है वो काफी ज्यादा बातें हुई और उन्होंने जब नाजिश जहांगीर से इस बारे में पूछा कि क्या अगर आपको ऑफर आती है और आप शादी करेंगी बाबर आजम से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो मेरे भाई हैं और बाबर आजम भी हमारे भाई हैं। तो उस पर जितने भी फैंस हैं नाजिश जहांगीर के भी और उसके अलावा बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं, तो उनमें काफी गम और गुस्सा पाया जाता है कि नाजिश जहांगीर ने ऐसी बात क्यों कही है। नहीं तो आई थिंक उसने तो गलत बात नहीं की, अगर उनका सबको भाई मानती है। हाँ, ये भी है, आजादी राय का हक है, लेकिन जो फैंस होते हैं फैंस को ऐसी बातें बहुत बुरी लगती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाबर आजम हमारे इस बार क्रिकेट के हीरो हैं। हाँ। तो उसके बारे में ठीक है, चले उसको भाई मानती भी है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं इस बारे में। ये है कि एक तो नाजिश जहांगीर ने ये बयान भी दिया है कि वो शादी अगर करेंगी तो शोबिज इंडस्ट्री में कोई भी अगर शख्स उनको अप्रोच करता है वो उससे नहीं करेंगी, बल्कि बाहर अगर कोई शख्स है उसके साथ करेंगी और बाहर किसी दूसरे मुल्क में जो है वो सेटल हो जाएंगी। और उनके फैंस के लिए बड़ी एक और हैरान कन बात है कि उन्होंने अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको उन्होंने पब्लिक से प्राइवेट कर दिया, इसके बाद जब उनको काफी मैसेजेस आए और लोगों ने तंग किया तो गम और गुस्से की हालत में थी काफी ज्यादा। असल में मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि आवाम जब आपको तंकीद का निशाना बनाते हैं, तंग करते हैं, तो ये सेलिब्रिटीज भी जो होते हैं जाहिर है ये भी तो इंसान होते हैं, तो वो इन चीजों से तंग आके अपनी बहुत सारी चीजों को महदूद कर देते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम जो है उसने अपना प्राइवेट कर दिया अभी? प्राइवेट कर दिया है। अच्छा ठीक हो गया, तो ये बात तो चलती रहेंगी, ये तो थी पाकिस्तान इंडस्ट्री की, हम करेंगे इसके बाद। मेरा कहने का वो है कि क्यों ना हम थोड़ा सा बॉलीवुड की भी तरफ जाएं, उससे पहले कोई सेगमेंट ना कर लें, उससे पहले एक सेगमेंट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना आज पाकिस्तान के जो डॉलर की कीमत है वो बता दें। हाँ जी, वो भी मैंने अपने पास लिखी है और नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की क्या प्राइस चल रही है। डॉलर की जो प्राइस है वो 278 रुपए और 40 पैसे जो है वो उसमें उसकी खरीद है और सेलिंग यानी जो फरोख्त हो रहा है वो है 278 रुपए और 60 पैसे इंटरबैंक में, ये इसकी प्राइस है। और इसके अलावा डॉलर की ओपन मार्केट में जो प्राइस है वो 277 रुपए अशारिया 7 यानी 277 रुपए और 7 पैसे, और उसके अलावा इसकी जो ये तो इसकी खरीदारी की प्राइस है और इसके अलावा इसको बेचने की यानी सेलिंग जो प्राइस है वो है 280 रुपए। अच्छा नादिया, ये तो आपने डॉलर की जो बढ़ती हुई
جو ریٹ ہیں وہ آپ نے بتائیں. تو ابھی ہم نے ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے گانا سنانا. جی جی. تو آج ہمیں آپ کون سا گانا سنائیں گے؟ آج میں ایک چھوٹی سی لائن سناؤں گی آج کی سچویشن کے حساب سے جو ہم نے شروع میں بات کی, اور تھوڑا سا یہ شاید یہ جو سٹرنگز ہیں, یہ جو میری شاعری ہے, یہ کہتے ہیں جہاں تک بھی پہنچے, عوام تک بھی پہنچے, اور اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ حکومت تک بھی جو ہے یہ لفظ پہنچے, اور یہ عوام کی آواز ہے. تو میں تھوڑی سی ایک ہی لائن ہے وہ میں شیئر کروں گی. میں تو دیکھوں گا, ہوں میں تو دیکھوں گا, تم ہی دیکھو گے, تم ہی دیکھو گے, ہوں میں تو دیکھوں گا, ہاں میں تو دیکھوں گا, تم ہی دیکھو گے, تم ہی دیکھو گے. جب روٹی ہوگی سستی اور مہنگی ہوگی جان, ایک دن وہ آئے گا جب ہوگا پیارا پاکستان. میں تو دیکھوں گا, ہو میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. جب روٹی ہوگی سستی اور مہنگی ہوگی جان, ایک دن بھی آئے گا جب ہوگا پیارا پاکستان. میں تو دیکھوں گا, ہو میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. بہت خوب, بہت خوب. یہ تو روٹی کے بارے میں آپ نے بات کر دی ہے. جی, تو عامر میں نے تو گانا سنا دیا, اور آج میرا گانا تھوڑا سا فارمیٹ سے ہٹ کے تھا. تھوڑا سا میں ویسے رومانٹک اور سیڈ سانگ سناتی ہوں, تو آج تو تھوڑا سا میں نے حکومت کو بھی گانا سنا دیا. آپ کیا سنائیں گے؟ اچھا, میں گانا جو ہے تو ایک ہے دل دیا گانا, سناؤ تو وہ ہی آج کچھ لیرکس ہیں اس کے وہ سنا دیتا ہوں. کچی ڈوریوں 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 سے میں نو تو باندھ لے, پکی یاریوں 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 سے ہوندے نا فاصلے. اے ناراضگی کاغذی ساری تیری, میرے سونیا سن لے میری دل دیاں گلاں, کراں گے نال نال بہ کے اکھ نال اکھ نوں ملا کے دل دیاں گلاں. بہت خوب, بہت زبردست. نہیں, بہت زبردست گانا آپ نے گایا. عامر, آپ نے تو پہلے بات کی تھی میرے سے پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے بارے میں, اور تھوڑی سی اگر ہم لائٹ موڈ میں ہم بالی ووڈ کی اگر بات کر لیں. ہاں, بالی ووڈ کے بارے میں. اچھا, بالی ووڈ میں تو آپ کو پتا ہے کہ کنگ خان جس کو کہا جاتا ہے, بڑے چرچے ہیں, شاہ رخ خان. جی جی, اس کے بارے میں کوئی نئی خبر آپ کو معلوم ہوئی, کوئی نئی فلم, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا, کنگ خان کے تو بہت چرچے ہیں, نہ صرف پاکستان میں, انڈیا میں, بلکہ دنیا بھر میں. کنگ تو واقعی کنگ ہے, اور کنگ کی جو بیٹی ہیں سہانا خان, ان کے ساتھ ان کی نئی فلم آ رہی ہے, اور اس کا نام ہے ڈان. اچھا, ہاں جی, ڈان فلم آ رہی ہے, کیونکہ جتنے بھی بڑے ایکٹرز, جی جی, کیونکہ جتنے بھی بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے جتنے بھی آگے سے ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ اسی فلم انڈسٹری میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح, اور ظاہر ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر بھی پیسہ لگاتے ہیں. اور ابھی ان کی جو فلم آ رہی ہے, اس کے علاوہ شاہ رخ خان کی کافی موویز ہیں. اگر آپ کو یاد ہوں عامر, کون کون سی موویز ہسٹری میں بھی, پاسٹ میں بھی اگر ہم جائیں تو کافی موویز کی ہیں. میرے خیال میں جو شاہ رخ خان نے اپنی جو شوبز انڈسٹری میں پہلی مووی تھی میرے خیال میں وہ تھی دیوانہ. دیوانہ, اچھا, وہاں سے اس کو فیم ملا. ہاں, تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد پھر آئی بازیگر. بازیگر, اچھا, تو اس طرح پھر
अभी तो मेरे ख्याल में उसके ज्यादा चर्चे उसके भी चल रहे हैं, जवान और पठान के। अच्छा अच्छा, तो आपने देखी ये मूवीज? देखी थी मैंने, नहीं अभी नई फिल्म तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जो डर वो थी बादीगर दीवाना वो मैंने देखी। अंजाम में उनकी मूवी है, और उसके अलावा परदेस। परदेस, परदेस की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि ऐसी मूवी। अच्छा, कोई उनकी मूवी ऐसी शाहरुख खान की जो आपकी काफी फेवरेट हो? शाहरुख खान की तो काफी फेवरेट है, जिसमें एक परदेस है। परदेस, परदेस तो बहुत अच्छी है, काफी तीन चार दफा मैंने देखी। अच्छा, और उसके अलावा अगर कोयला। हाँ कोयला, अगर कोयला को याद ना करे तो ये हो ही नहीं सकता। कोयला और तो उसमें जो माधुरी की परफॉर्मेंस थी बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक तरफ देखें किंग खान और एक तरफ देखें आमिर खान, आप इन दोनों का कोई कंपैरिजन देखते हैं? आपने फंसा दी पता है क्यों? क्योंकि अगर हर एक इंसान की अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो मैं फिर कहता हूँ आमिर खान आमिर खान आमिर खान है, क्योंकि वो सारे जितनी भी एक्टर है वो खुद कहते हैं कि अगर आमिर खान साल दो साल में एक मूवी बनाता है लेकिन हम सबको क्रॉस करके जाते हैं। जी ऐसे ही है, आमिर खान की मूवीज की अगर लिस्ट देखी जाए तो तारे जमीन ने एक रिकॉर्ड बनाया, और उसके अलावा पीके, और उसके अलावा गजनी, थ्री इडियट्स, बहुत सारी मूवीज की एक लंबी लिस्ट है, और सबसे बेहतरीन दंगल। दंगल जी, दंगल में अपनी बेटियों को उसने कैसे ट्रेन किया। जी, जब उसकी खुद की बेटी बेटे नहीं थे ना, उसका शौक था कि मेरा बेटा हो तो मैं उसको आगे रेसलिंग के लिए फाइट करो, लेकिन नहीं थी तो उसने फिर अपनी बेटियों को बहुत अच्छा ट्रेन किया। हाँ, बहुत प्यारी, बहुत जबरदस्त। तो यानी आप कहते हैं कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, किंग खान और आमिर खान का कोई कंपैरिजन? इनमें से मुझे चॉइस करना पड़ा तो मैं तो आमिर खान को करूंगा। अच्छा, आप किसको करेंगे? मैं, मेरे ख्याल में किंग खान, क्योंकि किंग किंग है, किंग ने तो हाँ वो बात तो ठीक है, किंग किंग है, लेकिन आमिर खान भी फिर मेरे ख्याल में कोई कम। अच्छा, अगर इनकी बात की जाए शाहरुख खान की जो नई मूवी आने वाली है डॉन, तो नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि जो डॉन है, जब पहली दफा जब डॉन को रिलीज किया गया जो इनकी मूवी है, उसमें इनके साथ प्रियंका चोपड़ा थी, इसके अलावा इनके साथ करीना कपूर थी, और पाकिस्तानी आर्टिस्ट अली खान इनके साथ थे, और इस फिल्म ने भी काफी ज्यादा जो है वो शोबिज इंडस्ट्री में काफी नाम बनाया और काफी पैसा कमाया था। तो अभी भी हम देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी जो अगली फिल्म है उसमें भी अपना नाम बनाए और बहुत सारा पैसा भी कमाए, हम तो यही उम्मीद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। अच्छा नादिया, इसके बाद एक दूसरा हमारा सेगमेंट होता है जिसको नाम है शायरी रंग। जी, जिसमें आपने हमें कोई शायर शायर की शायरी या उसके अलावा गजल, नज़म, नज़म तो नहीं लेकिन गजल ही कोई सुना दे, कोई शायर जिसको आप सुनती हैं ज्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से जी, तो मैं आपके साथ कुछ खूबसूरत लाइंस शेयर करूंगी, मैंने कहीं पढ़ी थी, अब मुझे बाकायदा तौर पे शायर का नाम तो नहीं याद, तो वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी कि खरे सौदे का कायल हूँ, खरे सौदे का कायल हूँ, सो बेहतर बेच देता हूँ, मैं दरिया पास रखता हूँ, समंदर बेच देता हूँ, सुहाने ख्वाब तो कांटों के बिस्तर पर भी मुमकिन है, मुयस्सर हो अगर फूलों का बिस्तर बेच देता हूँ, और किसी का जून अच्छा कट सकेगा इस तरह नासिर बहुत पहले अपना दिसंबर बेच देता हूँ। तो इसमें तो नासिर नासिर काजमी की शायद बात हो रही है, शायद नासिर काजमी का ये शेर है और बहुत बहुत खूबसूरत लाइंस है, नासिर काजमी का ही है। जी जी, तो आप भी कुछ बताएं, कुछ शायरी हमारे साथ शेयर करें। मैं तो ज्यादातर गालिब जो ने लिया। अच्छा, तो गालिब की एक सुना देता हूँ, मेरी प्यारी गजल है कि दुख देखकर सवाल करते हो, दुख देखकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो, देख के पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो, शहर दिल में उदासियां कैसी ये भी मुझसे सवाल करते हो, मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो, महाल करते हो, बहुत 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 जबरदस्त। अच्छा आमिर, अब हम किस बारे में बात करेंगे? बात करने से पहले मैं अपनी भी गजल सुनाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या कहती हैं? एक सुना दूँ, प्यारी सी गजल है मेरी थी, तो चले पता नहीं आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैंने गजल लिखी थी कि बिछड़े हैं यार कई पुराने, कब से ढूंढ रहे हैं हम ठिकाने, मदहोश नजरें खामोश जुबां है, जीने की नहीं लगते कोई तराने,
बीत गई हैं न जाने कितनी सदियां, बीत गई हैं न जाने कितनी सदियां, जिनके पता ही नहीं चले ठिकाने। सोचो कुछ नया करने का तुम आमिर, सोचो कुछ नया करने का तुम आमिर, वरना कौन पढ़ेगा तेरे अफसाने। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, मतलब आप शायर भी हैं। बस छोड़ी वाली लिख लेते हैं। और बहुत जबरदस्त शायरी आपने की, ये तो आपका एक और हिडन टैलेंट है, बहुत जबरदस्त। अच्छा नादिया, आप क्या कहेंगी कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसमें और हमारी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान बॉलीवुड, इन पे आप कितना मुआवजा करेंगे कि क्यों हमारी जो इंडस्ट्री है वो अब तक उतनी कामयाब नहीं हो सकी जितनी बॉलीवुड हो गई है? अच्छा आमिर, इसमें एक बात यह है कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री और उसके अलावा जो हमारी जो फिल्म और मीडिया और मूवी इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आजकल जो हमारे ड्रामास प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे ड्रामा प्रोडक्शन वो इतनी ज़बरदस्त है कि इंडिया वाले भी हमारे ड्रामास को देख रहे हैं और उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा अब तो प्रॉफिट भी हो रहा है और पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, ज़बरदस्त ड्रामास बना रहा है। नहीं वो तो है बिल्कुल, अगर ड्रामा के लिहाज से हम करें तो पाकिस्तान हाँ जी, लेकिन मूवीज के हिसाब से पाकिस्तान में जो है वो अभी भी डाउनफॉल चल रहा है एक काफी लंबे अरसे से, 90 से पहले तो सही था। हाँ जी, क्योंकि इसके डाउनफॉल की आमिर सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो पैसा जो है वो लगाते तो हैं लेकिन उनको बेहतर डायरेक्शन नहीं पता होती कि हमने पैसा कहाँ लगाना है। लेकिन आप एक और बड़ी अच्छी चीज देखें कि दोबारा से थोड़ा सा पाकिस्तानी फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री का दोबारा से रिवाइवल हुआ है और आप अगर देखें तो हमारे काफी सिनेमा घर में दोबारा मूवीज लगना शुरू होगी और ईद पे भी आपने देखा कि काफी ज्यादा मूवीज रिलीज हुई हैं हर साल की तरह जो है वो पाकिस्तान में, जैसे हुमायूं सईद की हर दूसरे साल जो है वो एक जबरदस्त मूवी आती है और इसके अलावा रिवाइवल हुआ है और पाकिस्तानी ड्रामा भी जो है वो काफी हद तक दूसरे ममालिक में भी देखा जा रहा है और इंडिया के लोग हमारे ड्रामास को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और अब तो पहले हमारे एक्टर्स के नाम इंडिया वाले नहीं जानते होते थे लेकिन अब उनको हमारे एक्टर्स के नाम भी आते हैं और खासतौर पर वहाज अली और यमुना जैदी और हिबा बुखारी ने काफी ज्यादा नाम बनाया। इमरान अब्बास और हाँ जी, बॉलीवुड में एक हाँ मूवी भी की थी मैं जी जी, हाँ जी, नाम तो मुझे भूला हुआ है जी जी, लेकिन वो भी काफी उसने फेमस थी। हाँ जी, तो मुवाजना अगर करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो अब रिवाइवल की तरफ जा रही है और काफी ज्यादा उसमें इनिशिएटिव्स हो रही हैं और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आगे भी जो है वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री इससे भी ज्यादा तरक्की करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में नई मूवी भी आई है हम तुम और वो। हाँ जी, वो भी चल रही है। हाँ, ये जुनैद खान की मूवी है। हाँ जी, ये भी जुनैद खान की मूवी है। इसके अलावा जो है और भी मूवीज आ रही है तो इंशाल्लाह रिवाइवल होगा दोबारा से, इंशाल्लाह कि पाकिस्तान फिर अपनी इंडस्ट्री को कामयाब कर देगा। हाँ जी। अच्छा नादिया, तो आप मायरा खान के बारे में क्या कहेंगे? मायरा खान माशाल्लाह उसके भी अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, एक नाम है और बॉलीवुड मेरे ख्याल उसका शाहरुख खान, किंग खान के साथ उसने काम किया रईस में जी, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मायरा खान पाकिस्तान की काफी मंची हुई और अच्छी अदाकारा है और पहले उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में काफी नाम बनाया पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से उनको इंडिया में भी जो है वो मूवी ऑफर हुई, रईस किंग खान के साथ एक मूवी ऑफर होना बहुत अच्छी बात है। और इनकी एक मूवी है जो 2013-2012 में आई थी, बोल, जिसने काफी ज्यादा रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान में और उस मूवी की वजह से भी काफी ज्यादा हिट हुई थी, जिसमें उमाइमा मलिक इनके साथ थी और उसके अलावा इनके साथ आतिफ असलम ने उस मूवी के अंदर अपना डेब्यू दिया था, फर्स्ट टाइम उस मूवी के अंदर उन्होंने उस फिल्म में काम किया था, तो वहां से इन्होंने काफी ज्यादा नाम बनाया और उसके बाद से इतना नाम बनाया कि इंडिया वालों ने उनको कॉन्टेक्ट करके रईस मूवी जो कि शाहरुख खान के साथ उनकी हुई थी कास्ट किया था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो मायरा खान अपनी जब से उनकी दूसरी शादी हुई है उसके बाद से मीडिया में उस तरह थोड़ी एक्टिव नहीं है जैसे पहले एक्टिव थी और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब वो दोबारा से जो है वो ड्रामास की तरफ भी वापस आए क्योंकि ड्रामास में उन्होंने काम थोड़ा कम कर दिया क्योंकि जब से मूवीज की तरफ गई है। उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छी और मंझी हुई अदाकारा है तो दोबारा से काम करें और दोबारा से पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करें और रिवाइवल दें। क्या कहना चाहेंगे कि यमुना जैदी जो है क्या वो मायरा खान की लेवल तक पहुंच जाएगी या नहीं? यमुना जैदी ने भी जब से वहाज अली के साथ काम स्टार्ट किया है तो उनका भी काफी नाम बना है और उसके अलावा हिबा बुखारी,
तो मेरे ख्याल में ये दोनों एक्ट्रेसेस भी काफी अच्छी हैं। सबा कमर कम बोल रहे हैं। हाँ, सबा कमर ने भी काफी ज्यादा। हाँ जी, उसको तो क्या कहती है उसके बारे में? उन्होंने जो उनका ड्रामा था चीख, मेरे ख्याल में उससे भी काफी नाम बनाया, तो उनसे भी उम्मीद है कि दोबारा से एक अच्छा काम करेंगी। और वो ड्रामास में काम कर रही हैं, लेकिन माहिरा खान थोड़ा सा आउट ऑफ टच हैं आजकल। तो नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर, आपका भी। और आज काफी मजे की गुफ्तगू हुई, थोड़ा सा सियासत से हट के हमने शोबिज के बारे में बात की, काफी मजा आया। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में, एक नए एपिसोड में हम नई बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर कोई ऐसे प्रोग्राम है जो आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे बात करें, तो वो लाजमी कमेंट में हमें लिख दिया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम उस पे बात करेंगे। तो देखते रहिए देसी टीवी, यूएसए, डीटीवी, एनएन और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डीटीवी फ्लिक, जहां 3000 से ज्यादा चैनल देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for Humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.